पाली जिले के गुड़ैला गांव में गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था भी कराई जा रही है। पानी की समस्या से जूझते ग्रामीण पिछले कई दिनों से पानी को लेकर भटकते नजर आए, लेकिन ग्रामीणों को गांव से दूर सुकरी नदी में एक कुएं पर हैंडपंप लगा रखा था, जो सुबह से शाम तक पानी भरने वालों की भीड़ भी लगी रहती थी। पानी की समस्या देखते हुए गांव से गुजरने वाली सुकरी नदी में स्थित पुराना कुआं पर गांव के विकास मंडल द्वारा पानी की मोटर और पूरा सेट और जलदाय विभाग की ओर से ग्राम पंचायत के पुराना कुआं पर बिजली कनेक्शन और सुकरी नदी में कुएं से पानी की टंकी तक 1300 मीटर पाइपलाइन डालकर पानी की सप्लाई के लिए टंकी से जोड़ा गया, जो सरपंच प्रतिनिधि प्रताप मीणा, पूर्व सरपंच अरुण पांडे, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि नारायणलाल प्रजापत, नारायणलाल मीणा, मुकेश कुमार हसमुखराम, सरपंच अरुण पांडे, देवाराम सोनाराम की उपस्थिति में कुएं पर पूजा अर्चना कर मोटर शुरू कर पानी निकाला गया। और सरपंच प्रतिनिधि प्रताप मीणा ने बताया कि पिछले एक माह से पानी की समस्या को लेकर प्रयास किया जा रहा है, जो आखिर विकास मंडल एवं जलदाय विभाग और ग्रामीणों के सहयोग से समाधान किया गया। कुएं में 15 फीट पानी जो है जो पानी पाइपलाइन से टंकी में डाला जाएगा, बाद में गुड़ैला गांव में पानी की सप्लाई दी जाएगी, जिससे ग्रामीण में को राहत मिलेगी। गुड़ैला से सोताराम मीणा की रिपोर्ट। पाली भाजपा जिलाध्यक्ष मनसाराम परमार के आदेशानुसार भाजपा बिजोवा मंडल अध्यक्ष हरिकृष्ण चौधरी ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए बिजोवा मंडल में मोहन सोलंकी को उपाध्यक्ष और सोमेश्वर निवासी गजराज चौधरी को भी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो संगठन की रीति और नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। मोहन सोलंकी और गजराज सोलंकी नियुक्ति पर पूर्व विधायक केसाराम चौधरी, पूर्व प्रधान नवरत्न चौधरी, पूर्व उप प्रधान किशोर सिंह राजपुरोहित, महामंत्री मोहनलाल मारू, उत्तम सिंह राजपुरोहित, रामलाल प्रजापत, मीडिया प्रभारी बाबूलाल गांसी सहित भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। बिजोवा मंडल अध्यक्ष में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने पर मोहन सोलंकी और गजराज चौधरी ने भाजपा जिलाध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट किया। रानी पंचायत समिति के रानीकला ग्राम पंचायत में सरपंच भरत कौक के सानिध्य में पूरे गांव में लगभग 60 रोड लाइटें लगाई गई थी, लेकिन पंचायत की उदासीनता के कारण सभी लाइटें बंद पड़ी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रानीकला ग्राम पंचायत द्वारा पूरे गांव में रोड लाइटें लगाने का ढिंढोड़ा पीट कर वाहवाही लूट ली और फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, लेकिन धरातल पर कुछ और ही है। ग्राम पंचायत द्वारा गाँव में लगभग 60 रोड लाइटें लगाने का दावा किया गया, लेकिन अधिकांश रोड लाइटों पर केबल भी नहीं बिछाई गई हैं और अधिकांश लाइटें एक महीने के अंदर ही तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई, लेकिन ग्राम पंचायत की उदासीनता के कारण रखरखाव नहीं होने के कारण सभी लाइटें बंद पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को रोड लाइटों की सुविधा नहीं मिल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इसके बारे में पंचायत को मौखिक रूप से अवगत कराया और ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा देख रेख भी की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने शीघ्र ही रोड लाइटें चालू करवाने की ग्राम पंचायत के सरपंच सहित गणमान्य लोगों से मांग की गई। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल रानी में आज 12 से 14 वर्ष के 120 बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण का दूसरा डोज लगाया गया। रानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक टीम ने स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों का टीकाकरण किया। बच्चों में कोरोना से बचाव के टीकाकरण का उत्साह था। इस अवसर पर विद्यालय के कार्मिक नारायणलाल भटनागर, रियाज खान, नरेंद्र कुमार सहित कई कार्मिकों ने कोरोना टीकाकरण के लिए आई हुई टीम का सहयोग किया। प्रधानाचार्य ने टीकाकरण के लिए आई टीम का धन्यवाद अर्पित किया गया। हेल्थ मेले की तैयारियों को लेकर रानी उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का हुआ आयोजन। रानी उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह की अध्यक्षता में ब्लॉक हेल्थ मेले की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर SDM रविकांत सिंह ने बैठक में बताया कि ब्लॉक स्तरीय मेले का आयोजन 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस मेले में से संबंधित सभी अधिकारी मुस्तैद रहकर तैयारियां करें। इस अवसर पर BCMO डॉक्टर भरत गोमतीवाल ने ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेले की तैयारियों की जानकारी उपखंड अधिकारी को दी गई।
हिंदू युवा संगठन रानी के अध्यक्ष हसमुख मेवाड़ा के सानिध्य में हिंदू युवा संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा रानी कला के समाज सेवी पोमाराम चौधरी का बहुमान किया गया। हिंदू युवा संगठन के अध्यक्ष हसमुख मेवाड़ा ने बताया कि रानी कला निवासी पोमाराम चौधरी द्वारा समाज सेवा में तत्पर रहकर हर समय हिंदू युवा संगठन के कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने पर आज उनको मोमेंटो और दुपट्टा पहनाकर बहुमान किया गया। इस मौके पर जय सिंह सिसोदिया, मुकेश गर्ग सहित गणमान्य लोग और हिंदू युवा संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही रानीकला निवासी पोमाराम चौधरी का हिंदू युवा संगठन द्वारा बहुमान करने पर रानीकला के निवासियों ने धन्यवाद आभार प्रकट किया। हेल्थ मेले की तैयारियों को लेकर रानी उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का हुआ आयोजन। रानी उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह की अध्यक्षता में ब्लॉक हेल्थ मेले की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर SDM रविकांत सिंह ने बैठक में बताया कि ब्लॉक स्तरीय मेले का आयोजन 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस मेले में से संबंधित सभी अधिकारी मुस्तैद रहकर तैयारियां करें। इस अवसर पर BCMO डॉक्टर भरत गोमतीवाल ने ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेले की तैयारियों की जानकारी उपखंड अधिकारी को दी गई।